ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहली बात है, बिल्कुल सत्य घटना है और मेरे सामने घटी हुई घटना है, क्योंकि इस विषय में मुझे पूरी जानकारी है किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरी सामने ये सब चीज जो हुई है अनुकंपा आपके ऊपर हो चुकी है। अब आपने इस तरह की वीडियो अनेकों देखे होंगे, लेकिन आपको ये सब चीजें तो हो सके और वीडियो में भी किसने बताई होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके बाद क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आती है कि गुरु जी, जब कोई सवारी आती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो क्या क्या लक्षण हमारे जीवन में घटने लगते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं जो सिद्धि या कोई शक्ति प्राप्त होने के दौरान हमें महसूस देते हैं, हमें आभास होता है कि हाँ हमारे साथ में कुछ विशेष घट रहा है, और इनसे हम ये जान सकते हैं कि हमें कोई दिव्य शक्ति, कोई हमें चमत्कारी शक्ति, ईश्वर की कोई अनुकंपा हमारे ऊपर होने वाली है। और मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये अपने इंस्पीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और बहुत सारे भक्त जो मेरे पास निरंतर आते रहते हैं उनके साथ भी ऐसा होता रहता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप एक लक्षण आप विशेषक और बिल्कुल सटीक जानिए इस लक्षण को, कि जिस व्यक्ति के पास कोई दिव्य शक्ति आने वाली होती है या ईश्वर से कोई चीज प्रदान करने वाले होते हैं, वो दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होने लगती है, तो उस समय सर्वप्रथम आपको स्वप्न दर्शन होते हैं। ये बिल्कुल सटीक और सत्य बात है। बिल्कुल ही जब भी आपको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होगी तो सर्वप्रथम आपके स्वप्न दर्शन खुल जाएंगे, आपके स्वप्न दर्शन खुल जाएंगे। स्वप्न में आपको उससे संबंधित स्वप्न आपको ऑटोमेटिकली आना प्रारंभ होगा। मान लिया आपको हनुमान जी की कोई शक्ति प्राप्त होने वाली है तो हनुमान जी से संबंधित आपको स्वप्न दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। ये आप अपने आधार पर अपने अपने शक्तियों के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे आप माता महाकाली की शक्ति आपके पास आ रही हो, माता मदनन की आ रही हो, माई धूतनी की आ रही हो, गुरु गोरखनाथ की आ रही हो, या माँ भगवती की आ रही हो, माता महाकाली की आ रही हो, अन्य किसी की भी शक्ति आ रही हो, तो उससे संबंधित आपको स्वप्न प्रतिदिन पढ़ने यानी प्रतिदिन दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। स्वप्न में आपको आपके ऊपर शक्ति आना आपको स्वप्न में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि हनुमान जी आपके शरीर में आए और आप उड़कर कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी गएंगे, या आपने किसी व्यक्ति को आप झाड़ रहे हैं या किसी व्यक्ति के आप पर उसे ऊपर से आप भूत प्रेत उतार रहे हैं, तो इस तरह के लक्षण आपको अस्पष्ट दिखाई देंगे जब आपको देवी शक्ति आपसे दरबार लगाना चाहती है या देवी शक्ति आपके ऊपर आने चाहती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पितृ की शक्ति हो या किसी देवता की शक्ति हो या फिर किसी देवी की शक्ति हो, किसी की भी शक्ति हो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। कई बार कुछ साधकों के साथ ऐसा भी देखा गया है, जो सच्ची घटना मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अभी घटी है, बिल्कुल अभी घटी है। कैसे कि मेरे पड़ोस में रहने वाले एक साधक है, उनके परिवार में कान्हा जी, उन्होंने अपने कान्हा जी किसी मंदिर में रखे हुए थे तकरीबन 2 साल से, वहीं पर वो उनकी सेवा करने जाते थे। महीने में 2 महीने में चले गए, उनके वस्त्र बदलाए और पंडित जी को पैसे दे आए, लो जी आप सुबह शाम यहाँ पर पूजा करते हो, आप इनको भी भोग लगा दिया करो। तो वो उनको पैसे दे दिया करते थे पंडित जी को। तो 2 साल से उनके कान्हा जी किसी मंदिर में रखे हुए थे, और अभी कुछ दिनों से तकरीबन 15 दिन से उनको हर रोज स्वप्न आ रहा था कि कान्हा जी को घर लेके आओ। स्वप्न में उनको कान्हा जी घर आते दिखाई देते थे कि घर आए हैं, रहे हैं, और फिर वो स्वप्न कट जाता था। तो इस तरीके से उनके साथ में 15 दिन से ये घटना घट रही थी। वो जाकर पंडित जी से मिले, पंडित जी से कहा कि जी हमें ऐसे स्वप्न में दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। तो पंडित जी से ने कहा कि भाई आप उस दिन शुभ मुहूर्त है, उस दिन फला दिन आप जाइए, आप मेरे पास आइए और इन कान्हा जी को अपने को लेते जाइए, क्योंकि कान्हा जी आपके घर जाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बार 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 यही स्वप्न आ रहा है। तो होता क्या है कि जिस दिन उनको समय दिया गया उस दिन इत्तेफाक से वो नहीं जा पाए, उस दिन उनका समय नहीं लग पाया और नहीं जा पाए। ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा, जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहली बात है, बिल्कुल सत्य घटना है और मेरे सामने घटी हुई घटना है, क्योंकि इस विषय में मुझे पूरी जानकारी है किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरी सामने ये सब चीज जो हुई है। होता क्या है कि वो जो समय निर्धारित दिया गया था उस समय पर वो वहां पर नहीं जा पाए। होता क्या है कि वहां से कान्हा जी अपने आप पंडित जी के यहाँ से तकरीबन उनके घर से पंडित जी का जो मंदिर है 8 किलोमीटर का डिफरेंस है, 8 किलोमीटर पर वहां मंदिर से वो कान्हा जी गायब हो गए और उनके घर में आकर अपने आप विराजमान हो गए जिस दिन कान्हा जी को लेकर आना था। तो अब आप कहेंगे कि जीवन में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं जिनको देखकर आप चौंक जाते हैं, आपको ये मानना पड़ता है कि दिव्य शक्तियां आज भी विद्यमान है, ईश्वर की अनुकंपा आज भी है और ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी
जगत भर में देखने को मिल जाती है। एक साध्वी है, अभी कुछ दिन पहले मैं उनकी वीडियो देख रहा था, शायद आपने तो ऊपर देखी भी होगा, कि वो कान्हा जी को भोग लगाती है और कान्हा जी को भोग वहां पर लगाते हैं पर्दे के अंदर और वो भोग उनके मुंह के अंदर आ जाता है। तो इस तरह की 13 ईश्वर की अनुकंपा से संबंधित अनेकों वीडियो चमत्कार प्रकृति में आपको दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन नास्तिक लोग इन चीजों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो ये वो लक्षण है, इन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ आपके ऊपर दिव्य शक्ति आ रही है। और दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जिस समय जिस व्यक्ति के ऊपर को दिव्य शक्ति आ रही होती है, तो जिस समय पूजा करता है, पूजा के दौरान जब वो ध्यान करेगा तो पूजा के दौरान उसका मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा और उस देवता जिसकी शक्ति उसके पास आने वाली है उसका ध्यान, उसका ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान करने को मन करेगा। और तीसरा लक्षण यह है कि ऑटोमेटिक ही जिस देवी शक्ति की आपके ऊपर अनुकंपा होने वाली है, जिस देवी शक्ति आपके ऊपर आने वाली है, उसकी ऑटोमेटिक ही बार 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 आपको पूरा दिन में बार बार उनका ख्याल आएगा, बार बार उनका ध्यान आएगा, बार बार अनायासी उनका उच्चारण, उनका ध्यान आपके मन में ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा, ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। और दूसरा कि उनका जो दिन होता है, मान लिया आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा होती है, मंगलवार का जो दिन होगा आपके लिए बड़ा कष्ट, यानी कि बहुत ज्यादा उस दिन आपका शरीर भारी रहेगा, बहुत शरीर भारी रहेगा, बहुत ज्यादा भारी रहेगा, आंखें चढ़ी हुई रहेंगी, आंखें भारी भारी रहेंगे और मुख ऐसा रहेगा जैसे लाल हो रहा हो बिल्कुल ही। उस दिन आपको एक अजीब ही, उस दिन आपको एक अजीब ही फीलिंग आएगी, एक अजीब तरह का आपको आभास होगा कि मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा वजन हो रहा है, बहुत ज्यादा वजन हो रहा है। और उस दिन हो सकता है कि आपको स्वप्न में भगवान के बार बार दर्शन होते रहे। ये आप अपने अनुसार समझ लिए, माता महाकाली का है तो शनिवार के दिन, भैरव देव का है तो रविवार के दिन, तो इस तरीके से जो भी देवता का जो भी दिन है उस दिन उनको इस तरह के आभास होते हैं, 100% होते हैं। और खासकर ऐसे जिस देवी देवता से संबंधित आपके ऊपर अनुकंपा हो रही है उसके जैसे वस्त्र को पहनने को अक्सर साधक का मन करता है, उसके और ऑटोमेटिकली उन वस्त्रों को जो वो पहनते हैं उस तरीके से मन करने बार बार करता है कि मैं इस तरह के वस्त्र पहनूं, इस तरह का वस्त्र पहनूं, इस तरह का साधक ऑटोमेटिकली वस्त्र पहनने लग जाता है। पूजा के दौरान जिस समय वो ध्यान करेगा, ध्यान बहुत अच्छे तरीके से लगता है और जिस समय ध्यान करता है तो ध्यान करते भी आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है, लंबी लंबी उबासी आती है, लंबी लंबी उबासी आती है, उबासी आती है, शरीर में कई बार झटके भी लगते हैं। तो ये वो लक्षण है जिन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि 101% आपके ऊपर देवता की सवारी आने वाली है, उस देवता की अनुकंपा आपके ऊपर हो चुकी है। तो ये वो लक्षण है जिन लक्षणों से आप जान सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण मैंने आपको बताया कि आपको स्वप्न में दर्शन होने पर आ जाएंगे, स्वप्न में से उससे संबंधित आपको ऑटोमेटिकली हर रोज स्वप्न में आपको दर्शन होंगे, हर रोज स्वप्न में दर्शन होंगे। अब आपने इस तरह की वीडियो अनेकों देखे होंगे, लेकिन आपको ये सब चीजें तो हो सके और वीडियो में भी किसी ने बताई होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां तक तो सभी बहुत सारे साधकों का अनुभव हो रहे हैं, आभास हो रहा है, पता लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी की बात है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे साधकों को किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। देखो ऐसे साधकों को तुरंत ही जिस देवी या देवता या जिस भी पितृ इत्यादि के उनको बार बार दर्शन हो रहे हैं, बार बार दर्शन उनकी शक्ति उनका आभास हो रहा है, तो उसकी पूजा बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उनकी करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, उसकी सेवा और ज्यादा से ज्यादा करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि वह शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर उसके पास आ जाए, उनकी सेवा निरंतर कर देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप 11, 21, 41 दिन का अनुष्ठान भी उन देवता से संबंधित, उस देवी से संबंधित अनुष्ठान भी उनका कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को संसार से विरक्त कर केवल उनकी सेवा में डूब जाइए, केवल उनकी सेवा में लग जाइए, तो कुछ तुरंत आपके पास शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर आ जाएगी। अब आती है सावधानी की बात कि ऐसी स्थिति में सावधानी क्या करनी चाहिए। देखो जब ऐसी स्थिति बनती है तो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, चारों तरफ से प्रकृति भी अपने आप आपको खींचने लग जाती है, क्योंकि जब प्रकृति से हटकर कोई व्यक्ति चलने लगता है, प्रकृति से ऊपर उठने लगता है, तो प्रकृति का नियम है उसको वो वापस खींचती है। जैसे ही आप किसी गेंद या किसी भी सामान को ऊपर फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी से अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो तुरंत ही पृथ्वी की ओर खींचा चला जाएगा। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साधक अपने आप को निखारने लगता है, ऊपर उठने लगता है, तो संसार के या उसको आप कह लीजिए कलयुग भी तो उसको ऑटोमेटिक ही वापस खींचने की तैयारी में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पर स्त्री गमन होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि एकदम अजीब से अपने अजीब ही असर दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि वह अपने लक्ष्य से हट जाए,
वह अपने लक्ष्य से हट जाए। ऐसी स्थिति में आपको प्रलोभन भी मिल सकता है, आपको बहुत सारे छोटे मोटे काम मिल सकते हैं जिनमें आपको बहुत सारा धोखाधड़ी का प्रलोभन मिल सकता है। आपको अनायास से किसी लड़की स्त्री से संपर्क हो सकता है ऐसी स्थिति से जहां जो आपके लिए सब कुछ निछावर करने वाली हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि जब भी आपको कोई चीज प्राप्त होती है तो उस समय सत्य भी परीक्षा लेने हेतु या प्रकृति भी परीक्षा लेने हेतु ऑटोमेटिकली उस साधक से ऐसे ऐसे कार्य करवाने की फिराक में लग जाती है कि वास्तव में ये सच्चा साधक है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए, भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपने जैसे ही गलती की शक्ति आई और आकर भी आपके पास नहीं आ पाएगी, आएगी और तुरंत ही चली जाएगी और वापस फिर आप मेहनत करते रह जाओगे। फिर आप कहोगे जी मुझे ऐसा आभास होता था वैसा आभास होता था लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे यही कारण है कि जब दिव्य शक्ति कोई प्राप्त होने वाली होती है उसी समय साधक कोई ना कोई गलती कर बैठता है। ये सबसे बड़ी समस्या साधक के साथ आती है। तो ऐसी स्थिति में भूल कर भी कोई गलती ना करें, बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर किसी भी तरह की गलत भावना ना रखते हुए सच्ची भावना से और ईश्वर का सच्ची सुमिरन करते रहना चाहिए, उस शक्ति का सुमिरन करते रहना चाहिए जो आपको जिसके बार बार सोपान आ रहे हैं। तो आपको शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, आपके सभी कार्य सफल होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।